मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ड्रामा की एंडिंग पहले से प्री प्लान की हुई थी कि लोगों के फीडबैक के ऊपर आपने इसको एंड किया है? सर, मेरा आपसे सवाल ड्रामे के अहतमाम के बारे में है। दानिश के दिल की धड़कन का स्ट्रेट हो जाना और फिर भी उसका बातें करना और एक छोटे बच्चे को ICU में लेके आना और वो भी उसका मास्क उतार के, इस तरह की जो चीज़ें थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपने लिखी ही इस तरह से थी या डायरेक्टर ने इसको बाद में चेंज कर दिया? बिग फैन ऑफ योर वर्क सर, अगर आप मुनासिब समझे तो बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा वाकया था जिसने आपको इतना मुतासिर किया, जिससे आपके काम में इतनी पुख्तगी आई और आप इतना डीप लिखते हैं। इस ड्रामे का एंड ज़्यादा रियलिस्टिक होता अगर दानिश ना मरता। दानिश हानिया से शादी भी कर सकता था और भी कुछ हो सकता था। आपने दानिश को मारा क्यों? सर, आपने मेरे पास तुम्हों की कहानी किससे मुतासिर होकर लिखी है? मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था दैट कि आपने आज तक जितने भी ड्रामास या जितने भी लिखे हैं सीरियल्स वगैरह, उनमें से आपका जो फेवरेट है वो कौन सा है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके हर ड्रामे में आपका हीरो मर क्यों जाता है? एक ड्रामा क्या है और एक हकीकत क्या है, इसमें ज़रा थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा। मेरा खलीलुर्रहमान कमर साहब से क्वेश्चन ये है कि उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी कि मरने के बाद लोग उनकी कदर करेंगे, जबकि लोग आज भी उनकी कदर करते हैं, तो क्वेश्चन इज़ दैट कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किस तनाजर में कहा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शारिक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने कलम से जो लिखते हैं वो मशहूर हो जाते हैं। आज तक इन्होंने जितना भी लिखा खूब लिखा। इनका लिखा हुआ ड्रामा और फिल्म अपनी मिसाल आप बन जाता है। इनकी खासियत ये भी है कि ये मौशरे के उन मौजूआत को कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारते हैं जिनकी तरफ लोग अपनी तवज्जो मबजूल किए बगैर रह नहीं सकते। इनके ड्रामों के डायलॉग्स बेहद मकबूल होने के साथ साथ मुतनाज़ा भी होते हैं। शायद यही वजह है कि इनके लिखे हुए हालिया ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी हैं। इनके ड्रामों का जिक्र करें तो बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग, लंडा बाजार, प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे और जबान जदयान ड्रामा जो हाल ही में ऑन एयर हुआ मेरे पास तुमो है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, राइटर खलीलुर्रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सर, मेरे पास तुम हो सारी दुनिया में शहरत याफ्ता ड्रामा, सारी दुनिया में चर्चे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा। सर, ये ड्रामा लिखते वक्त आप क्या सोच रहे थे? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे। हमेशा जब शाह साहब मैं लिखता हूँ तो मेरी आरज़ू होती है कि मेरे मुल्क की इज्जत बढ़े, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भी हो, तो समझिए ये इज्जत आई है मेरे हिस्से में, ये मेहरबानी हुई है परवरदिगार की कि इस प्ले के हवाले से मेरे मुल्क को और मेरे लोगों को इज्जत मिली। सर, ये तो ठीक है, लेकिन आप अक्सर सर ऐसे सोसाइटल इश्यूज को डिस्कस करते हैं अपने ड्रामों के अंदर जो कि हकीकत में मबनी होते हैं, जो कि बिल्कुल दूसरे राइटर से बरस होते हैं। सर, इसकी क्या ख़ास वजह? एक तो ज़ुबैर साहब, मैंने ऐसे इश्यूज को मैंने कीनली ऑब्जर्व किया है। मैं एक पुअर मिडिल क्लास से निकल कर आया हूँ, तो आई नो द मेनली द इश्यूज़ ऑफ द कंट्री। मुझे बल्कि मैं इस कड़वाहट के साथ जिया हूँ कि जिन मौजूआत को टेलीविज़न पर छिड़ा गया है वो हमारे मौजू हैं ही नहीं। सास बहू नंद भाभी का नाम लेके औरत ही औरत को गाली दे रही है, और मैं हैरान था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या इमेज दिया जा रहा है बीवी बनकर नए घर में जाने वाली लड़की को कि आगे वो किसी नाउज़ुबिल्ला डाइन से मिलने वाली? क्या आप जब लिख रही होती हैं तो ऐन उस वक्त आप किसी की नंद, किसी की बहू, किसी की भाभी या किसी की सास नहीं होती? तो मैं हैरान था, और इल्ज़ाम आता है मर्दों के ऊपर, आप ज़रा प्लेट निकाल के तो देखिए, और सब के सब औरतों ने खातिन लिखे हुए हैं जिसमें पै दर पे सास की बेइज्जती हो रही है, नंद की बेइज्जती हो रही है, भाभी की बेइज्जती हो रही है। तो दैट वॉज शॉकिंग फॉर मी ऑल द टाइम्स। मैं जो आज तक इस बात को मानता हूँ कि मेरी सास दुनिया की बेहतरीन सास थी, और मेरे यहाँ मेरी बीवी के अपनी नंद के साथ ऐसे रिलेशनशिप में कि शायद उसके अपनी बहन के साथ भी नहीं,
तो व्हाई डोंट वी गिव अ मैसेज टू द गर्ल्स हु आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड गोइंग टू सम अदर होम कि जो सास है ना वो एक दूसरी माँ है, बस उसकी कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी जैसे आप अपनी माँ की बर्दाश्त कर लेती थी। एंड व्हाई डोंट यू बिलीव कि अगले घर में जो नंद मिलने वाली आपकी बेहतरीन सहेली है, सहेली के साथ आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपनी सहेलियों की आपने बहुत सारी नखरे और बहुत सारी बातें बर्दाश्त नहीं की, कुछ उसकी बर्दाश्त कर लीजिए, वो आपकी बहुत सारी बर्दाश्त कर लेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब पोर इन करने की ज़रूरत है ताकि हमारी नई लड़कियों के अंदर ये चीज़ ना समा जाए कि उनकी माँ के अलावा सबकी माएँ डाइन है खुदा ना खास्ता। सर, इस ड्रामे के अंदर कहीं खवातीन की हक तलफी तो नहीं होगी? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, खादिम की मैं हक तलफी कर ही नहीं सकता। हक तलफी का तो खैर लफ्ज़ ही बड़ा गलत है। मैं वो हूँ जिसके घर पे खातिन हुकूमत करती हैं। आपको नहीं मालूम मेरी बेटियाँ मुझे इस तरह डांट लेती जैसे छोटे भाई को डांटती हैं, और मैं सुनता हूँ। आई वॉन्ट दैम दे शुड बी रूलिंग ऑन मी, यू नो। तो हक तलफी कैसे? अगर मैंने एक बुरी औरत दिखाई है तो हम 10,000 बुरे मर्द दिखाते हैं रोज़ ड्रामों में, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। ये तो आप सहमे हुए लोग हैं, मैं सहमा हुआ नहीं हूँ ना। आप चुप करके सुनते रहते हैं रोज़ रात को आपको भेड़िया दरिंदा जालिम पागल कहा जाता है और आप सुन लेते हैं। क्यों कहा जाता भी? हाँ, हैं अच्छे कुछ मर्द, उसको मैं भी बुरा कहता हूँ, बट इट इज़ हाई टाइम कि जो बुरी औरत है उसको मिलकर सब बुरी औरत कहें ताकि अच्छी औरत को डिस्क्रिमिनेट किया जा सके। सर, औरतों में बेवफाई का एलिमेंट बहुत कम पाया जाता है लेकिन ये ड्रामे से जो है बहुत ज़्यादा नशर हुआ। देखिए, मैंने आपको एक बड़ा बड़ा डायलॉग था और उससे समझ लेना चाहिए था कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती। दैट इज़ अ लाइन ड्रॉन। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। तो इस पहले वाले पार्ट को समझिए ना। दूसरे वाले पार्ट में तो वो खातिन आई, वो लड़कियाँ आई जिन्होंने ये कमिट किया है। एंड डोंट यू नो, अभी आप हम अखबारों में रोज़ पढ़ा करते थे एक ज़माने में और आज भी, कि वो अब 4 बच्चे नहर में फेंके, आशना के साथ भाग गई, शौहर को आशना के साथ मिलकर मर्डर किया। तो वो भी इनका हिस्सा ही था, हमारा हिस्सा ही था। तो दैट पार्ट इज ऑल्सो बी डिस्कस टू मेक द गर्ल्स अंडरस्टैंड कि इंस्टेड यू चीट इन बॉन्डिंग बेटर लीव द बॉन्डिंग रिस्पेक्टफुली। और एक्चुअली तो इस प्ले में मर्द को प्रीच किया गया कि भाई अगर औरत एक गुनाह कर रही है ना, उसको गैरत के नाम पर मारने की जरूरत नहीं है, उसको जाने दो, वो जाने, अल्लाह जाने। सही सर। सर, दानिश के मरने के बाद, क्योंकि मैंने भी जो है मेरे पास मरने के बाद की कहानी भी आपके पास। सर, मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर था मेरे पास दोनों का। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि सर वो जो हमारा मॉनिटर होता है जिस पे हार्ट रेट आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद दानिश बातें कर रहा था। अच्छा, ये बड़े अच्छा सवाल किया रूमी से। सर ये 2009 मैं PIC जाता हूँ, मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ। सर, तो हार्ट अटैक उनको हुआ वाइल ही वॉज इन रिवाज गार्डन। तो आई वॉज इन एवेन्यू स्टूडियो ऑन द शूट, मुझे जब इतला मिली तो मेरा भाई लेके जा रहा था उनको। एंड आई वॉज टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली विद हिम और मैं आई वॉज इन माई व्हीकल गोइंग टू PIC। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आई सॉ माई फादर वॉज ऑलमोस्ट 50 yards अवे फ्रॉम मी। और कुछ डॉक्टर मुझे रोक लिया पहचान के, उन्होंने कहा खलीफ साहब सलामुअलैकुम, खैरियत कैसे? तो मैंने जब अपने बाप को अपने भाई के साथ कैजुअली बातें करते हुए देखा तो आई स्माइल। मैंने मेरे अब्बा आए हैं यहाँ, हार्ट अटैक हुआ उनको, तो कहता ओह माय गुडनेस, गॉड ब्लेस यू खलील साहब। मैंने कहा क्या हुआ? तो साथ ही मॉनिटर था, कहता ये लाइन देख रहे हैं? जी, मैंने कहा देख रहा हूँ। कहते ये स्ट्रेट हो चुकी है। मैं व्हाट डज इट मीन? उन्होंने कहा इनका दिल बंद हो चुका है। मैंने कहा वो तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। कहता ये इनकी विल पावर है, ये कितने देर रहती है गॉड नोस। और मेरी जान निकल गई। नेक्स्ट मिनट या नेक्स्ट मोमेंट मेरे भाई अब्बा ने मेरे भाई को कहा कि तुम बाहर जाओ और खलील को बुलाओ। अब मैं जा नहीं रहा था डरते हुए, मैं आई कुडंट सी माय फादर डाइंग, यू नो। मैं आई वेंट एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, वी वर टॉकिंग नॉर्मल, बट ही वॉज सेइंग टू मी यार खलील इन्हें ख्याल रखी, यार खलील इन्हें ख्याल रखी। ही वॉज कॉन्टिन्यूसली सेइंग दिस ऑल और आहिस्ता आहिस्ता उनका वोकल ड्रॉप कर रहा था, फिर वो वोकल टूटा। ये मेरी आंखों का देखा हुआ मंजर है। तो आप मुझे चैलेंज करेंगे इस बात के ऊपर? दे शुड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इंस्टेड दे क्रिटिसाइज ऑन मी, यू नो। आई राइट विद ऑल इन्फॉर्मेशन
with all professional information. The people who criticize, they are acknowledged as actually. सर ये जो मेरे पास तुम्हों का इख्तिताम हुआ ड्रामे का उसमें जो दानिश की जो मौत दिखाई गई सर ये पहले से सोच रखा था या आवाम के रद्दअमल की वजह से उसी दिन गया था जब आपकी माशूका आपको छोड़ जिससे आप इश्क करते हैं जब वो आपको छोड़कर चली जाती मर जाते हैं आप मरना कोई सांसों के थम जाने और लहू के जम जाने का नाम है क्या बात करते हैं आप मर तो उसी वक्त मर जाता है सर ये सेफ सिटी का दौरा जो आपने किया सर ये कैसा लगा आपको Beautiful. I just loved. मेरा जो कॉन्सेप्ट था पुलिस वालों के बारे में अल्लाह करे हमारे थाने भी इस तरह के हों बहुत शुक्रिया आपका खलील साहब अपना बहुत कीमती टाइम हमें देने के लिए माई प्लेयर इट इज़ ऑनर ये थे जी आप, आप लोगों ने मुझे बुलाया आपका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया सर जी नाजरीन ये थे हमारे साथ मशहूर ज़माना राइटर खलीलुर्रहमान कमर साहब जिन्होंने बहुत ही बाखूबी से हमारे सवाल का जवाब दिया इसके साथ साथ सेफ सिटी स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए मैं ज़ुबैर शारिक अलविदा चाहूँगा